कोरबा के कमला नेहरू कॉलेज के विद्यार्थियों ने शहर में सिटी बस जल्द शुरू करने की मांग को लेकर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। एनएसयूआई के बैनर तले कमला नेहरू कॉलेज के विद्यार्थियों ने नगर पालिक निगम के साकेत भवन पहुंचकर निगम आयुक्त कुलदीप शर्मा को ज्ञापन सौंपकर जल्द सिटी बस के संचालन को शुरू करने की मांग की है। विद्यार्थियों का कहना है कि पेट्रोल की कीमत में लगातार इजाफा हो रहा है। गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले विद्यार्थियों के पास साधन नहीं है, ऐसे में पढ़ाई के लिए कॉलेज नहीं पहुंच पा रहे हैं। परीक्षा होने वाली है, अगर कॉलेज में पढ़ाई नहीं करेंगे तो परीक्षा में अच्छा परिणाम कैसे आएगा? भैया हम लोग आए थे सिटी बस के नाम से, सिटी बस के हम लोग ज्ञापन दिए हुए हैं। अभी हम लोग बच्चे लोग का पेपर आने वाला है, कॉलेज स्टूडेंट लोग का, तो अभी सिटी बस अभी एक भी नहीं चल रहा है। और आप सब देख रहे हैं कि पेट्रोल का महंगाई इतना हो रहा है, जो गाँव से बच्चे आ रहे हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते कि बाइक में आए कि अपने साधन पे आए। इस्लाम से हम लोग ज्ञापन दिए थे कि सिटी बस जल्द से चालू करें। सिटी बस जिले में ना चलने के कारण छात्र छात्राओं को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये एक कॉलेज की बात नहीं, हर कॉलेज की बात है। वहाँ पे हम लोग एक सर्वे किए एनएसयूआई के द्वारा कि छात्रों को क्या समस्या ज़्यादा हो रही है, तो उनको आने जाने की साधन में सबसे पहली चीज़ आई निकल के आई, जिसमें सिटी बस ना चलने के कारण छात्राएँ यहाँ कॉलेज पढ़ने नहीं आ पा रहे हैं। तो इसको लेकर के हम लोग यहाँ साकेत भवन मांग लेकर आए थे कि सिटी बस को जल्द से जल्द चालू करवाया जाए, जिससे कि छात्र छात्राओं को लाभ हो। और अभी एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो अभी जब पढ़ाई नहीं कर पाएंगे कॉलेज आकर छात्र छात्राएं, तो एग्ज़ाम कैसे देंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट।